ये प्रॉब्लम भी कुछ साइनाइड आइसोसाइनाइड जैसी प्रॉब्लम है, जो आयनिक है वहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज डिफरेंशिएटेड है, लेकिन जो कोवेलेंट मॉलिक्यूल है वहाँ पे जो लोन पेयर है उस लोन पेयर ऑफ नाइट्रोजन ने बॉन्ड बनाई। अगर ऐसा करा तो नाइट्राइट और नाइट्राइट, एक तो हमने बनाई नाइट्राइट और दूसरी बनाई नाइट्रो अल्किन। तो ये जो फर्क है ये नाइट्रो अल्केन और नाइट्राइट का, वो इसलिए है क्योंकि जो नाइट्रो अल्केन है उसके अंदर नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड है, लेकिन जो जो नाइट्राइट है उसमें वो बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ है। यहाँ पे के पॉजिटिव और ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, आर के ऊपर पॉजिटिव और एक्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। इसने कंबाइन करा, ये कंपाउंड बना ली। आर ने कंबाइन करा किस वाले ऑक्सीजन के साथ, सिंगल बॉन्डेड ऑक्सीजन जो नेगेटिवली चार्ज थे, सिंगल बॉन्डेड ऑक्सीजन जो नेगेटिवली चार्ज थे, और इसने जनरेट करा अल्काइल नाइट्राइड। लेकिन यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, यहाँ पे बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो गई, ये है पॉजिटिव और ये है पॉजिटिव और ये है नेगेटिव। इसने इसके साथ बॉन्ड बना ली, इसने इसके साथ बॉन्ड बना ली, लेकिन इस बार जो जो बॉन्डिंग है वो ऑक्सीजन के साथ ना होकर वो नाइट्रोजन के साथ होनी है। तो यहाँ पे ये बॉन्ड जनरेट हो गई नाइट्रोजन के साथ और ये इसने जनरेट करा नाइट्रो अल्केन। तो अगर कोवेलेंट बना रखी है, अगर हमने कोवेलेंट नाइट्राइट ले रखी है तो हमें नाइट्राइट कंपाउंड बनना है, लेकिन अगर हमने कोवेलेंट ले रखी है तो यहाँ पे नाइट्रो मिलना है, अगर हमने आयनिक ले रखी है तो नाइट्राइट मिलना है, तो ये नाइट्राइट मिलना है।